देश में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई, जबकि कोविड-19 से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 8,884 हो गई है। कोरोना के संक्रमण से अब तक 1,54,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए, जो कि राहत की बात है। बाद इन सभी के बीच में अगर हम महाराष्ट्र की करें तो यहाँ पर कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता प्रीत किरण दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, 3 लाख के आंकड़े को पार कर गई है भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या, रिकॉर्ड रोजाना आंकड़े यहां पर पेश आ रहे हैं। इसी बीच में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ में एक बार फिर से यहाँ बैठक करने वाले हैं। क्या मुख्य बिंदु रहेंगे इस बैठक के? देखिए, जिस तरीके से बताया गया था कि 10 से 15 दिन में एक बार फिर से राज्यों से फीडबैक लिया जाएगा जी। और क्योंकि अभी अनलॉक 1 चल रहा है तो अनलॉक 2 में क्या कुछ नई छूट दी जाएगी, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। अलग अलग राज्यों के अलग अलग जो नंबर्स हैं पॉजिटिव वो अलग अलग है। जिस तरीके से दिल्ली और महाराष्ट्र में केसेस ज्यादा है, ऐसे में दिल्ली और महाराष्ट्र में छूट कम दिए जाने की संभावना है। साथ में ही जो बजट अलॉट किया जाएगा सरकारों को उसको लेके एक चर्चा की जाएगी, क्योंकि आर्थिक जिस तरीके से मंदी है उसको तेज लाने के लिए सरकारों को किस तरीके से आवंटन करना है उस पर एक बार चर्चा होगी जी। साथ में क्या कुछ नए बदलाव किए जाए अनलॉक में, इसको लेके प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों से सचिवों से एक फीडबैक लेंगे हर राज्य से कि वो राज्य क्या चाहते हैं। जिस तरीके से भोपाल को आज सैटरडे और संडे 2 दिन के लिए वहां पर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, देहरादून जो कि उसको बंद कर दिया गया सैटरडे संडे को, ऐसे में दिल्ली की तरफ से क्या फीडबैक जाता है, महाराष्ट्र की तरफ से क्या फीडबैक जाता है, राजस्थान सरकार ने जिस तरीके से बॉर्डर सील करने का निर्णय लिया था 1 सप्ताह के लिए, तो तमाम राज्य अपनी अपनी तरफ से क्या फीडबैक देते हैं, इसको लेके एक चर्चा फिर से प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और उसके बाद जो अगला अनलॉक 2 होगा इस पर निर्णय लिया जाएगा। प्रीति, एक और चीज है, मरने वालों की जो आंकड़ा है पूरे देश भर से वो भी अब 9,000 की संख्या को छूने ही वाला है। 8,000 से ज्यादा मौतें यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो इन सभी से बचाने के लिए अब सरकार के द्वारा क्या वो प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को भी समझना होगा कि जो फिलहाल छूट मिली है वो हमें मिली है, कोरोना को नहीं मिली, और कोरोना के जिस प्रकार रिकॉर्ड केसेस सामने आ रहे हैं तो क्या हिदायतें अभी बरतनी आवश्यक है? देखिए, जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से निर्णय आया हाईकोर्ट की तरफ से कि दिल्ली में जिस तरीके से नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके दोबारा से अनलॉक जो दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, अनलॉक की स्थिति रहेगी, अनलॉक 2 में क्या कुछ छूट दी जाएगी, जैसे इंटरटेनमेंट सेक्टर को छूट दिए जाने की बात की जा रही है, दोबारा से सिनेमा हॉल्स खुल जाएंगे, तमाम जो मॉल्स हैं वो खुल जाएंगे, स्विमिंग पूल खोल दिए जाएंगे। अब लोगों को सजग रहना होगा, होम मिनिस्ट्री की ओर से, हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से लगातार गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं, आयुष मंत्रालय गाइडलाइन जारी किया जा रहा है की तरफ से। अब स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला गया एक कैप लगा दिया जाए प्राइवेट अस्पतालों पे कि वो ज्यादा जो है चार्ज ना करे। अब जो फीडबैक लिया जाएगा राज्यों से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी एक फीडबैक लिया जाएगा, उसमें ये कहा जाएगा कि एक निर्धारित रकम तय कर दी जाए जो प्राइवेट अस्पताल इस पे ज्यादा चार्ज ना करे, क्योंकि तुलना जो है एक तरफ जो है सरकारी अस्पताल है एक तरफ प्राइवेट अस्पताल है। सरकारी अस्पताल में भी आज के डेट में कोरोना का खर्चा 3 से 4 लाख पड़ जा रहा है पेशेंट को, और अगर प्राइवेट अस्पताल में मरीज ट्रीटमेंट कराता है तो 15 से 16 लाख तक पहुंचता है। ऐसे में सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक निर्धारित सीमा तय कर दी जाए, निर्देश ना दिया जाए अस्पतालों को। जी जी जी, तमाम चर्चा की जाएगी प्रधानमंत्री के साथ। जी जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया प्रीत।